मैं कीर्ति परोहा 10th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज हम आपकी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट जो है उसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 7 है, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। उसमें हम उसका पार्ट सेकंड, जिसका नाम है कुर्ग। पार्ट फर्स्ट जो था अबेकर फ्रॉम गोवा, उसको हम पहले समझ चुके हैं, और आज हम उसका पार्ट सेकंड समझेंगे, जिसका नाम है कुर्ग, जिसको लिखा है लोकेश एबरॉल। लोकेश एबरॉल जो इसके राइटर हैं, वो एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, सोशल वर्कर हैं, ट्रेवलर हैं, उन्होंने कई जगह की यात्राएं की हैं, बहुत अच्छे एक लेखक है, और अपनी ट्रेवलिंग के दौरान उनको जो अनुभव हुए हैं उसको उन्होंने अपने लेखों में उतारा है। तो कुर्ग जो है वो उन्हीं के एक एक्सपीरियंस का हिस्सा है। The author describes Kurg or Kodagu as a piece of heaven descended from the heavenly kingdom. अब जिनके author हैं उन्होंने क्या बताया, जब वो कुर्ग या कोडागु, एक ही शब्द है कुर्ग या कोडागु, तो कुर्ग या कोडागु को, उस क्षेत्र को उन्होंने क्या बताया, पीस ऑफ हेवन, स्वर्ग का एक टुकड़ा, जो कि स्वर्ग से ही, स्वर्ग के राज्य से ही नीचे पृथ्वी पर उतारा गया है। कुर्ग इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका नोन फॉर इट्स एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन। कुर्ग जो है वो जो कर्नाटका स्टेट है उसके बीच की एक डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर जो किस लिए फेमस है, अपने एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वनों के लिए, हमेशा इसके फॉरेस्ट कैसे रहते, एवरग्रीन, स्पाइसेस मसालों के लिए, और कॉफी प्लांटेशन और कॉफी के पौधों के बारे में। तो कुर्ग किन तीन चीजों के लिए फेमस है, फर्स्ट वन इज एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकंड वन स्पाइसेस, एंड थर्ड वन कॉफी प्लांटेशन। द इनहेबिटेंट्स ऑफ कुर्ग और कोडावुज आर नोन टू बी फाइसली इंडिपेंडेंट। अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी द कुर्गीज आर डिसेंडेड फ्रॉम द ग्रीक्स। अब यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पर जो रहने वाले हैं, कुर्ग के जो स्थानीय निवासी हैं, वो कैसे हैं सब, बहुत योद्धा रूप से, फास्टली इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है और योद्धा रूप में रहते हैं। और ये कुर्गीज कहाँ से आए, तो इनकी उत्पत्ति एक कहानी के अनुसार इनकी उत्पत्ति हुई अरब और ग्रीक लोगों से। ड्यूरिंग अलेक्जेंडर ऑफ ग्रेट्स इन्वेजन ऑफ इंडिया, अ पार्ट ऑफ The army traveled to South India and couldn't make their way back due to the impossible terrain. अब यहाँ पे बताते हैं कि जब अलेक्जेंडर था, जो सिकंदर था, जब वो दुनिया को जीतने चला था, उस समय वो कहाँ आया था, उसने भारत पर भी इन्वेजन में आक्रमण किया था, और उसकी जो सेना थी वो ट्रेवल करते करते कहाँ आई, साउथ इंडिया के इस क्षेत्र में आई, और यहाँ से फिर वो वापस नहीं जा पाई। तो उनने क्या किया, वो जो आर्मी यहाँ पर रुक गई, सो दे सेटल्ड इन व्हाट इज नाउ नोन एज कुर्ग एंड मिंगल विद द लोकल्स, अडॉप्टिंग देयर कल्चर, फूड एंड ट्रेडिशन। तो यहाँ की जो आर्मी थी वो यहीं साउथ इंडिया वाले क्षेत्र में रुक गई, और वहीं रह करके उन्होंने शादियां भी की, उनके जो आगे के फ्यूचर प्लानिंग थी, और वो सारी चीजें जो उनके लोकल फेस्टिवल, कल्चर, फूड, ट्रेडिशन, जो भी कुछ उन ग्रीक और अरब देशों का भी रहा, वो आकर के यहाँ पर मिक्स हो गया। Another story surmises possible Arab descent based on the kupia or the long black coat worn by the kudags, which is like the Arabic garment kufia. अब वो क्या बोल रहे हैं कि एक और स्टोरी के मुताबिक ये जो कुर्ग के लोग पहनते हैं ब्लैक कोट और बीच में एक अपनी कमर पे जो पट्टा बांधते हैं, वो कुडाविस जो है वो एक अरेबिक गारमेंट कुफिया की तरह दिखाई देता है। द कुडाविस पीपल आर आल्सो नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी एंड ब्रेवरी। और ये जो कुर्ग के या कुडावु पीपल, जो कुर्ग के निवासी हैं, वो एक बहुत अच्छी मेहमान नवाजी और अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं, मतलब यहाँ के निवासी बहुत ज्यादा बहादुर हैं। The Kurg regiment has garnered the highest number of honors in the history. इसलिए जो कुर्ग रेजिमेंट है, जो हमारी भारतीय सेना में जिस रेजिमेंट का नाम है कुर्ग रेजिमेंट,
उसको बहुत सारे वीरता पुरस्कार और शौर्य पदक भी प्राप्त हुए हैं। जनरल करियप्पा अकुर्गी वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। अब हमारे जो इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ थे वो भी खुद एक कुर्गी थे, वो कुर्ग क्षेत्र से ही थे और उनका नाम था जनरल करियप्पा। जनरल करियप्पा जो कुर्गी थे वो पहले हमारे भारतीय के फर्स्ट चीफ बने थे। टिल डेट कुर्गीज आर द ओनली पीपल इन इंडिया अलाउड टू कैरी फायर आर्म्स। तब से लेके अभी तक कुर्गीज एक ऐसे निवासी हैं भारत के जिनको अपने साथ फायर आर्म्स ले जाने की, आग्नेय शस्त्र अपने साथ रखने की अनुमति प्राप्त है। द हिल्स ऑफ कुर्ग आर होम टू महासीर, लार्ज फ्रेश वाटर फिश एज वेल एज किंगफिशर्स, स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड एलिफेंट। अब उस जो बड़ी सी कुर्ग की जो पहाड़ी है वो सबसे फेमस मछली जिसका नाम है महाशीर, वो लार्ज फ्रेश वाटर फिश है, उसके साथ साथ किंगफिशर, स्क्विरल, गिलहरियां, लंगूर और हाथी भी यहाँ के बहुत प्रसिद्ध हैं। मतलब यहाँ पर कुर्ग में कौन कौन से स्पेशल एनिमल है, तो महाशीर, किंगफिशर्स, स्क्विरल्स, लंगूर और एलिफेंट। कुर्ग ऑल्सो ऑफर्स डिफरेंट एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रॉक एंड माउंटेन क्लाइंबिंग एंड रैपलिंग ऑफ रोप क्लाइंबिंग डाउन हिल्स। अब कुर्ग अच्छा पहाड़ी नुमा क्षेत्र है, वहाँ बहुत सारा वातावरण प्रकृति का बड़ा सुंदर मनोहारी दृश्य है, वहाँ अच्छी नदियाँ हैं, बहुत छोटे छोटे झरने हैं जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारे एडवेंचरस स्पोर्ट्स होते हैं जैसे रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रॉक एंड माउंटेन क्लाइंबिंग एंड रैपलिंग ऑफ रोप क्लाइंबिंग डाउन हिल्स। और क्लाइंबिंग डाउन हिल रोप क्लाइंबिंग भी यहाँ की फेमस स्पोर्ट्स है, बहुत सारे सैलानी यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्पस से आते भी हैं। वन कैन ऑल्सो ट्रैक द माउंटेन इन द कंपनी ऑफ बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज विथ स्क्विरल्स एंड लंगूर्स वॉचिंग देम फ्रॉम ट्रीज। अब वो क्या बोलते हैं, यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक जो आते हैं वो क्या करते हैं, माउंटेन की पर्वतारोहण करते हैं जहाँ पर उनको बहुत सारी अच्छी तरह तरह की चिड़ियाँ, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, बहुत सारी गिलहरियाँ, लंगूर, सारे सब कुछ उनको दिखाई देते हैं जो कि उनको भी देखते हैं और वो भी उनको देखा करते हैं। फाइनली द ऑथर टॉक्स अबाउट द क्लाइंब ऑफ ब्रह्मगिरी हिल्स विच प्रोवाइड्स अ सीनिक व्यू ऑफ कुर्ग एंड द लैंड सराउंडिंग इट। फाइनल में क्या बोलते हैं लेखक, लेखक बोलते हैं कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर जो क्या करते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, वहां से उनको बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है पूरे कुर्ग का और उसके आसपास घिरे हुए क्षेत्र का। फ्रॉम देयर अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज वुड ब्रिंग वन टू द आइसलैंड ऑफ निसर्ग धाम वेयर दे कैन मीट मॉन्क्स फ्रॉम द नियर बाय मोनेस्ट्री। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जब वो एक रस्सी से बने हुए ब्रिज या पुल के सहारे कहाँ जाते हैं, आइसलैंड जाते हैं जिसका नाम है निसर्ग धाम, वहां जाने पर उनको बौद्ध मठ और बौद्ध भिक्षुओं से मिलना होता है, वो वहां पर बौद्ध मठ और बौद्ध भिक्षुओं से भी मिल सकते हैं। फ्रॉम देयर अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज वुड ब्रिंग वन टू द आइसलैंड ऑफ निसर्ग धाम वेयर दे कैन मीट मॉन्क्स फ्रॉम द नियर बाय मोनेस्ट्री। अब ये सीन जो दिखाई दे रहा है एक मोनेस्ट्री का, यहाँ पर उनको मॉन्क या बौद्ध भिक्षु मिला करते हैं। कुर्ग द ऑथर सेज इज फुल ऑफ अट्रैक्टिव सरप्राइजेस फॉर एनी विजिटर लुकिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। अब ऑथर बोलते हैं कि कुर्ग एक ऐसा सुंदरतम प्रकृति का और स्वर्ग का टुकड़े जैसा क्षेत्र है जहाँ पर किसी भी पर्यटक को, किसी भी आने वाले को बहुत ज्यादा फुल ऑफ सरप्राइजेस हैं, एडवेंचर है और प्रकृति का मनोहारी चित्रण है, या हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ आकर हम हार्ट एंड सोल से भी मिल सकते हैं भारत के। भारत का हार्ट एंड सोल कहाँ बसा हुआ है, वो है कुर्ग में। तो बच्चों ये था ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का पार्ट टू कुर्ग। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।